What's up guys, hope you're arriving. तो I just thought I'll check in with you guys. क्योंकि हो गया 2-3 दिन अभी मेरे को ब्लॉक करे हुए एंड आप लोग वंडर कर रहे होगे कि मेरा चेहरा इतना मेस्ड अप क्यों दिख रहा है. एंड दैट्स बिकॉज मैं 3 दिन में बहुत कम सोया हूँ. पहली रात को तो 3 घंटा सोया, उसके बाद नेक्स्ट डे 4 आवर्स, एंड उसके बाद 4 आवर्स कितना होता है 11. तो 3 कंसेक्यूटिव डेज में 11 घंटे सोने की, चलो 12 आप राउंड ऑफ कर देते, एक और घंटा मेरे को सुला देते हैं. इतना कम सोने की वजह से आई एम अ लिटिल डेज्ड, आई एम अ लिटिल ज़ोन्ड आउट. एंड मेरी कम स्लीप का कारण है कॉलेज में एक प्रोजेक्ट चालू है विच इज कंपलसरी, 3 क्रेडिट है उसको, तो मैं उसको स्किप नहीं कर सकता. आई वुड है. और ये जो प्रोजेक्ट है इन पर्टिकुलर बहुत ही हेक्टिक है, मतलब हमको 8-8, 9-9, 10-10 घंटे रोज, 8 घंटे, नॉट 16 टोटल इज फॉर अ वीक. अभी डे थ्री है. हाँ, आज टुडे इज अ 4th डे, सॉरी. एंड यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि इससे मेरे स्लीप का क्या रिलेशन है. हमको सुबह 8 बजे उठना पड़ता है हर रोज, मतलब मैं 3 दिन से नॉन स्टॉप 8-8 बजे उठ रहा हूँ. एंड इट्स जस्ट सो अननेचुरल, क्योंकि एज यू गाइज नो मुझे 4 बजे से पहले नींद नहीं आती है, नो चांस. जब तक वो स्काई में थोड़ी सी लाइट नहीं आया, मतलब वो प्री सनराइज लाइट होती है ना, और जब तक वो जो बर्ड्स है वो पट 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 ऐसे ना करते, तब तक इट जस्ट डजंट फील लाइक इट्स टाइम टू स्लीप. जो मेरा स्लीप साइकिल है, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट, इट फील्स वेरी नेचुरल टू मी, इवन दो वो थोड़ा अनहेल्दी हो सकता है. द पॉइंट इज कि मैं नहीं सोया हूं, मैं ऐसे कैमरा पे बात भी नहीं किया ऐसे 2-3 दिन से, सो आई एम फीलिंग वेरी गुड टू डू दैट. अभी मुझे लैपटॉप पे बैठना पड़ेगा बिकॉज एनी टाइम इट्स गोना स्टार्ट अगेन. बट जब तक स्टार्ट होता है आई जस्ट टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट द प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑनेस्टली मेरे को काफी मजा आ रहा है. आई वुड हैव नेवर थॉट कि कॉलेज या स्कूल के कुछ भी रिलेटेड प्रोजेक्ट में मेरे को मजा आएगा, बट ऑनेस्टली दिस इज रियली फन. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. बेसिकली हमारे क्लास में 4-4 के ग्रुप्स है, और हमें एक ऑनलाइन बिजनेस सिम्युलेटर में डाला जाता है, इन विच ऑल 4 ऑफ अस हैव टू रन एन ऑनलाइन वर्चुअल बिजनेस. और ये काफी इन डेप्थ जाता है, मतलब हमको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है. इनफैक्ट दिस प्रोजेक्ट हैज एक्चुअली शोड मी हाउ मच गोज इन टू अ बिजनेस, बिकॉज मुझे नहीं पता था इतना टफ होगा, क्योंकि हमको गेम में ही 8-8 घंटे लग रहे हैं दिन के कम से कम. ओवरऑल काफी फन प्रोजेक्ट है, एक्सेप्ट द टाइमिंग्स. फक द टाइमिंग, टाइमिंग्स पे काफी गुस्सा आ रहा है. नहीं, गुस्सा तो आना नहीं चाहिए वैसे. एनीवेज हमको ब्रेक्स भी मिलते रहते हैं, और ब्रेक्स में मैं 2 ही चीजें करता हूँ मेनली. वन इज दिस, ये मैं करता रहता हूँ लैपटॉप पे ही बैठ के. और एक चीज मैंने डाउनलोड किया है जिसकी वजह से मैं काफी खुश हूँ. मैं रोज आधा 1 घंटा खेल रहा हूँ उसको 2-3 दिन से बिकॉज ऑफ ब्रेक्स इन द मिडिल. एंड दैट इज, आई डोंट नो अगर आप लोग को दिख रहा हो, बट दैट इज स्पाइडरमैन 3. और जब मैं छोटा था ना, आई डोंट नो, आई नेवर मेंशन दिस इन माय व्लॉग्स, बट जब मैं छोटा था मेरे को स्पाइडरमैन गेम से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था. मतलब इवन नाउ स्पाइडरमैन एज अ कैरेक्टर, आई लव स्पाइडरमैन. मैं मार्वल, एवेंजर्स कुछ नहीं, मुझे उन सबका कुछ नहीं मालूम, लेकिन स्पाइडरमैन मेरे को बहुत पसंद है बचपन से, और अभी भी पसंद है. अभी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया बिकॉज वो स्पाइडरमैन मूवीज में अभी एवेंजर्स को ला रहे हैं, एंड आई एम वेरी क्लूलेस अबाउट आयरन मैन और वो सबका मेरे को कुछ पता नहीं है. बाप रे, यहां से मैं उठ जाता हूँ. अभी अभी आरसीबी वर्सेस दिल्ली का फर्स्ट इनिंग्स हुआ, और आरसीबी थोड़ा ठीक टोटल है, बट आई थिंक इस पिच के लिए अच्छा है. वैसे जब भी आप वीडियो देख रहे होगे तब आपको रिजल्ट तो पता ही होगा. और अभी यार फर्स्ट इनिंग्स के बाद कोई सैंडस्टॉर्म आया है, मैंने कभी ऐसे सुना नहीं है पहले कि सैंडस्टॉर्म आ जाए, मतलब फर्स्ट इनिंग्स के बाद या कभी भी एक्चुअली क्रिकेट में, बट आया है. ये भी आपको पता होगा, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों. एनीवेज यार एपेटाइट इतनी कम हो गई है मेरी, सबकी हो गई होगी लॉकडाउन की वजह से, बिकॉज बॉडी पे कोई डिमांड नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट लिटिल वर्कआउट यू डू. जो बाहर पहले घूमना होता था, एक्टिविटी लेवल इतने हाई होते थे, अभी मेरा एपेटाइट इतना कम हो गया कि मैं कैलोरीज काउंट भी नहीं करता हूँ. लिटरली मैं माई फिटनेस बार खोलता भी नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे पता नहीं करना कि मैं कितना खा रहा हूँ. इट्स विल बी टू लेस, विच इज नॉट दैट बैड ऑफ अ थिंग, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा था बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, अनलेस यू आर हिटिंग योर माइक्रोज. माइक्रोज से मेरा मतलब है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इसको आप सप्लीमेंटेशन के थ्रू डेफिनेटली पूरा कर सकते हो. जैसा मैंने अभी कहा है, कम खाने की वजह से कैलोरीज तो कम होगी, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी कम होने का चांस है. ये है वाओ लाइफ साइंस का ओमेगा 3 सप्लीमेंट, और इसमें EPA और DHA जैसे बहुत जरूरी फैटी एसिड्स है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स है. फॉर एग्जाम्पल, आपके हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करना, आपके जॉइंट्स की हेल्थ को टॉप कंडीशन में रखना, आपके ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम रखने में मदद करता है, अलॉन्ग विद रिड्यूसिंग रिस्क फॉर हार्ट डिजीज. दिस सप्लीमेंट इज मॉलिक्यूलरली डिस्टिल्ड एंड प्योरिफाइड. इसमें नॉन GMO प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, विच बेसिकली मींस नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड. ये मेड इन इंडिया है, एंड इट इज थर्ड पार्टी हैवी मेटल टेस्टेड. इसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कराने के लिए इसके ऊपर जो QR कोड दिया है, आप उसको अपने फोन से स्कैन कर सकते हो, और आपको पता चल जाएगा वेदर और नॉट योर प्रोडक्ट इज ऑथेंटिक. ऑल्सो अगर आपने अभी तक वाव ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डू दैट राइट नाउ, बिकॉज वहां पे आप बिना डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो. वहां क्यों देखा है? Anyways, वहां पे मेरा आप डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो फॉर 30% ऑफ. इसे परचेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, और पहली लिंक को क्लिक करो. अभी मैं थोड़ा सा और फ्रेश फील कर रहा हूँ, और ऐसा होता है व्हेनेवर आई गेट लेस स्लीप ना. फर्स्ट हाफ ऑफ द डे गो स्लीपी, सेकंड हाफ में मैं वापस एनर्जेटिक हो जाता हूँ, और मे बी जस्ट बिकॉज आई एम व्लॉगिंग, मैं वापस एनर्जेटिक हो गया. आई डोंट नो द रीजन, बट आई एम हैप्पी कि मैं हो गया एटलीस्ट. अभी मैं एक पुश वर्कआउट करूंगा, एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड बिकॉज लास्ट के 3-4
ओके गाइस, वर्कआउट ख़त्म। आई बी ऑनेस्ट यार, इतना अच्छा वर्कआउट नहीं है। ऑल दो वर्कआउट ने मेरे को थोड़ा सा जगा दिया, इट वॉज इन वन ऑफ माई बेस्ट वर्कआउट्स। मेरा माइंड में से कनेक्शन काफी पुअर था। वर्कआउट जब शुरू हुआ ना, मेरे को लगा मैं कर लूंगा, लेकिन पहले कुछ रेप्स करते ही ऑल दैट फटीग किक्ड इन और मैं मतलब आई डोंट नो हाउ मैंने जो भी किया वो भी किया यार। आई एम ग्लैड थोड़ा बहुत कर पाया। टेक इट एज अ लेसन। अगर आप लोग को भी ऐसा कभी दिन आता है ना जहाँ पे बिल्कुल भी वर्कआउट करने का मूड नहीं है, एक सेट करो, दो सेट करो, जितना हो सके पुश करो। मतलब जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, विच इज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ बेड विद अ जर्क। ऑल्सो डार्क सर्कल्स और लाइटिंग पे कितना ज़्यादा रिलेशन है। लाइक इस एंगल से मेरे डार्क सर्कल्स बिल्कुल लग ही नहीं रहे कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे असली असली चेहरा देखेगा। हाँ, लाइक दिस। ओ गॉड, कितना बड़ा डिफरेंस है। ओके गाइज, अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी वापस मीटिंग में जाना पड़ेगा, एंड उसके बाद मोस्ट लाइकली मैं सो ही जाऊँगा। मतलब कम से कम कोशिश तो करूँगा सोने की। तो आई मीट यू गाइस टुमारो यार, कल आराम से थोड़ा और चिल करते हैं। तो हाँ, मतलब टुमारो नहीं, आप लोग के लिए तो एक सेकंड में ही मिलेंगे। चलो अब ये वाला कूल ट्रांजिशन करके उठता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसा लगा मेरा कूल ट्रांजिशन? एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने 4 घंटे लग जाते हैं, मुझे तो लग जाते हैं, मुझे बाकी का नहीं पता। ठीक है, उसको स्मूथ बनाने में और अलग से फटती है। एनीवेज, अभी 4:15 बजे है, मतलब 3:45 के करीब। वेरी गुड न्यूज, आज का मेरा जो प्रोजेक्ट है वो आज के दिन के लिए पूरा हो गया। ऐसा मुझे लगा था। और ये सारे 4-5 दिन में दिस इज द अर्लीस्ट कि मैं फ्री हो गया हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी। एंड इवन बेटर न्यूज, 10,000 times बेटर, मेरी नींद कंप्लीट हो गई है। एंड अच्छी तरीके में नहीं हुई, बिकॉज रात को जल्दी सोने के बजाय मैं लेट उठा। बेसिकली हमको बोला था कि 9 बजे आ जाना मीटिंग में, ये वो बहुत ऐसे इंटेंस। उसके बाद मैं 9 बजे उठा, मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि 10 बजे या कुछ 9:30 या कुछ तो ऐसा पोस्टपोन हुआ है। फिर मैंने आंखें बंद कर दी, सोचा कि 15-20 मिनट नैप ले लेता हूँ, और फिर मैंने 4 घंटे का नैप ले लिया और 1:30 बजे उठ गया। एंड द बेस्ट पार्ट इज समहाउ हमारे ग्रुप ने थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया। मतलब हम हक तो रहे काफ़ी, बट स्टिल लाइक हमको वो क्रेडिट्स तो मिल जाएंगे। आई एम सो हैप्पी मैन। तो अभी मैं बाहर से आया हूँ, दादाजी को मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा था, एंड आई टोल्ड हिम कि यार अभी इट्स नॉट द बेस्ट टाइम टू गो आउट, बट देन उनको बहुत ही मतलब वो इंसिस्ट कर रहे थे, वो बहुत ही स्टबर्न हो गए थे मेरी तरफ। तो फिर मैं भी समझ गया यार, इवन इफ आई वॉज इन हिस प्लेस आई वुड डू द सेम थिंग। एनीवेज, अभी थोड़ा सा कमेंट रीडिंग कर लेते हैं, एंड देन आई हैव टू गेट बैक टू माई मीटिंग, बिकॉज अभी मुझे पता चला कि आज का दिन का जो काम था वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों लगा। आई थिंक मैंने किसी को सुना बोलते हुए कि इनफ डन फॉर द डे और समथिंग, बट एज यूजुअल आई मिसअंडरस्टूड। पुश डाउन करते तो बहुत अच्छा फुटेज मिलता है। हाँ, कर ले और शो ऑफ। एनीवेज, अभी कमेंट रीडिंग करते हैं। फर्स्ट कमेंट, और ये मुझे काफ़ी बार आते हैं, आई थिंक इट्स फ्रॉम द न्यूअर व्यूअर्स, कि ओके दिस वन इज फ्रॉम तरुण जी। ब्रो, व्हाई डोंट यू पोस्ट लेग वर्कआउट, डेस्परेटली नीडेड। व्हाई डोंट आई पोस्ट लेग वर्कआउट, बिकॉज मैं लेग वर्कआउट करता ही नहीं, आई डोंट डू लेग वर्कआउट। एंड मुझे पता है आप पूछोगे व्हाई डोंट यू डू लेग वर्कआउट। द रीज़न इज कि मैं वर्कआउट इन जनरल मज़े के लिए करता हूँ, आई डोंट डू इट फॉर बॉडी बिल्डिंग पर्पसेज, और मुझे ऐसे सिमेट्रिकल दिखने का कोई स्पेशल गोल नहीं है। आई डोंट प्लान ऑन कम्पीटिंग, आई डोंट, मतलब ये मैं बहुत ही सीरियसली नहीं करता। मेरी जो डाइट है वो भी इतनी प्रॉपर नहीं है। हाँ, मैं आपको टिप्स जरूर देता हूँ, बिकॉज देयर वॉज अ फेज इन माई लाइफ जहाँ पे मैं सब बहुत सीरियसली करता था, बट देन आई गॉट ओवर इट इवेंचुअली। अभी मेरा स्लीप साइकिल भी एज यू नो इट्स मेस्ड अप, सो आई जस्ट वर्क आउट फॉर फन, नॉट फॉर हेल्थ रीजंस, नॉट फॉर एस्थेटिक्स आई वुड से थोड़ा सा हाँ, बट नॉट फॉर स्ट्रेंथ, कुछ नहीं, जस्ट मुझे मज़ा आता है तो मैं करता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन फॉर मी। तो लेग वर्कआउट में मुझे मज़ा नहीं आता तो आई डोंट डू इट, वेरी सिंपल इक्वेशन। पहले आता था मुझे मार्च तक, पिछले साल मार्च तक बहुत मज़ा आता था। आई यूज टू स्क्वाट, आई यूज टू लव स्क्वाटिंग, बट अब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली लेग्स को ना ट्रेन करने की वजह से कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज मुझे फेस करनी पड़ेंगी बाद में। आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट, शायद कुछ पता नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। डू वट एवर यू वॉन्ट, फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, वेरी सिंपल, दैट्स माई लॉजिक। ग्लास बैठ के खाओ। हाँ, आता हूँ ना, अपना शेक बना के आता हूँ यहाँ। नहीं तो भाई मैं देखा इनको। क्या ये क्या कर रहा है चेयर पे, इस पे बैठ गया मैं। ये दुबई में देखा है तो। दुबई में कहीं पे भी यार होंगे दुबई से लोग, पता नहीं जॉर्जिया में कहीं भी। हाँ हाँ होंगे ना, देख रहे हैं अभी इस वक्त नहीं देख रहा है ये, मैं एडिट करूंगा फिर डालूंगा ये आज डालूंगा। अच्छा, ये कल डालूंगा, तो ऐसा होता है, लाइव नहीं है लाइव। आपको मीठा चाहिए? मीठा चाहिए? मीठा। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। मीठे मिलने तो आंखें चमक जाती है। हां और अच्छा था आज। क्या मोमोज अच्छा लगा? हां, तुमने कितने पीस खाए? अच्छा था आज, बहुत अच्छा था। और कहीं ऐसा नहीं है? और कहीं नहीं है? कहीं नहीं। ओके गाइस, तो अभी मेरा वापस मीटिंग है, अभी वो ज्वाइन करेंगे,
एंड इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। होप यू गाइस एंजॉय इट। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना। एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।